पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी शोभा और दो बच्चों के साथ रहता था। इस बार बर्फ बहुत पड़ने की वजह से सारे रास्ते बंद थे, इसलिए रामदीन मजदूरी के काम के लिए नहीं जा पा रहा था। फरवरी का महीना शुरू हुआ तो रामदीन ने सोचा कि वह मजदूरी के काम पर चला जाएगा, पर अचानक शोभा की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिस वजह से रामदीन को कुछ दिन और रुकना पड़ा। जब शोभा की तबीयत में सुधार हुआ तब रामदीन ने काम पर जाने के बारे में सोचा, पर अब बहुत दिनों तक काम पर न जाने के कारण रामदीन का सारा काम छिन गया। अरे इतने दिनों बाद आए हो रामदीन, अरे बर्फ तो कब की छट चुकी थी। अरे मुझे तो काम के लिए मजदूरों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने गिनती के मजदूर रख लिए हैं और सभी मजदूरों में काम बट गया भाई। अब तुम्हें रखकर फालतू के पैसे थोड़ी खर्च करूंगा, मुझे तो बड़े मालिक से उतने ही पैसे मिलते हैं ना जितने मजदूर रखने के लिए कहा जाता है। अब तो अगले महीने ही दूसरा काम आएगा। अगले महीने? पर तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मालिक, थोड़ा बहुत ही काम दे दो ताकि घर में चूल्हा जल सके। बहुत दिनों से कोई काम नहीं किया, घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। देख तू खड़ा रहकर परेशान मत कर मुझे, समझा? मैंने तुझे मना कर दिया ना कि कोई काम नहीं है, तो बस अब तू अगले महीने ही आना। अब जा यहाँ से और मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे बहुत काम करना है। रामदीन घर लौट आता है, उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। कई दिनों तक वह और उसका परिवार भूखे प्यासे ही रहे। रामदीन की पत्नी शोभा हर साल महाशिवरात्रि का व्रत रखती थी, इस बार भी शोभा ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा। सुबह उठकर उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर को साफ किया और भगवान शिव और माता पार्वती के सामने पूजा अर्चना की, पर शोभा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, आज मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं आपके लिए प्रसाद बना सकूं, कुछ भी नहीं है घर में जो मैं आपको अर्पित कर सकूं। मुझे क्षमा करना प्रभु, आज मैं आपकी शिवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी तरफ से भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। माँ आज खीर बनाओगी ना, हमें खीर पूरी खानी है। माँ हाँ माँ हमें खीर पूरी खानी है। बच्चों अभी तुम्हारी माँ पूजा कर रही है, अभी वो पूजा कर ले, उसके बाद माँ से बात करना अच्छा। शोभा हाथ जोड़कर मंदिर के सामने बैठी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो बच्चों से कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए खीर पूरी नहीं बना सकती। शोभा के आंसू गिरने लगते हैं। पूरा दिन वो शिवरात्रि पर भूखी प्यासी व्रत करती है। रात होने वाली थी पर अभी तक घर में कुछ भी खाने का नहीं बना था। रामदीन उधार पर कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला पर राशन की दुकान से उसे उधार नहीं मिला। तभी रास्ते में उसे एक बुजुर्ग दंपति मिल गए। बेटा तुम बहुत ही दयालु स्वभाव के हो, चलते चलते बहुत थक गए थे, दोनों का ही शिवरात्रि का व्रत भी है, अभी दूसरे गांव पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और व्रत भी खोलना है, बस थोड़ी देर ही हम तुम्हारे घर रुकेंगे, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे भला क्या आपत्ति होगी, बस पास में ही मेरा घर है, आप दोनों आराम से वहाँ हाथ मुंह धोकर पूजा पाठ करके अपना व्रत खोल सकते हो, मेरी पत्नी शोभा ने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। बात करते करते रामदीन उन दोनों बुजुर्ग दंपति को घर ले आया, पर शोभा की तबीयत बहुत खराब थी। बापू माँ के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या करूँ, सुबह से इधर उधर घूम रहा था कि कहीं से पैसे मिल जाए, पर मेरी वजह से ही यह सब हुआ है। शोभा तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अभी भी मैं किसी से उधार नहीं ला पाया। अरे बेटा चिंता मत करो, खाली पेट कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं अभी झटपट खीर पूरी बनाकर खिलाती हूँ, देखना तुम शिवरात्रि का प्रसाद खाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हमारे पास प्रसाद बनाने का बहुत सामान है। सुनो जी वो झोले में से सामान तो देना। हाँ हाँ देता हूँ। आप दोनों मैंने आपको पहचाना नहीं। हम दोनों बस यही समझ लो तुम्हारे अपने हैं, मुझे अपनी माँ और इन्हें अपना पिता ही समझो बेटी। आज अपनी माँ के हाथ की खीर खाना, फिर बताना कैसी बनी है। कुछ ही देर में भोजन बनकर तैयार हो जाता है। शोभा भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में प्रसाद का भोग लगाती है, सब प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। माता जी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, हमने और बच्चों ने भी पेट भर कर खाई है। मैं सच कहूँ तो आज मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था, आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती मेरे द्वार आए हैं। हमारे होते हुए हमारा कोई भक्त भूखा नहीं रह सकता, हम तुम्हें भूखा कैसे रहने दे सकते थे बेटी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम्हारी गरीबी के दिन दूर हो गए। रामदीन जिस पात्र में खीर रखी थी
वो अब सोने के सिक्कों से भर गया है। तुम अब उस सोने के उपयोग से नया व्यापार शुरू करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलना। जो भी भक्त ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वो हमें अत्यधिक प्रिय होते हैं। रामदीन और शोभा भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाते हैं। रामदीन और उसके परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करके भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। रामदीन और शोभा की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके जीवन के सारे संकट दूर हो गए। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था, तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है, तो वो प्रदीप से कहता है, प्रदीप अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौट कर गाँव नहीं आता। मैं और तू यही गाँव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गांव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चले जाते हैं। तकरीबन 2 महीने बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है, तो वो सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी, प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और मंदिर जाकर शिवजी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर शिवजी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे पानी के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से न तो उसने पैसे भिजवाए और न ही उसकी कोई खबर आई। ये देख सुलोचना चिंता में पड़ गई। फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया, तो वो भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए, उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है, फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज ना चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और वो दिनेश के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं। आप इन्हें रख लीजिए, कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उसको सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से पकौड़ों का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ के पकौड़े
सबको बहुत पसंद आई। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे जिनका पकौड़े खाने का बड़ा मन होता, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में पकौड़ी चटनी खिला देती थी। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है, तभी उस ठेले का मालिक वो बुजुर्ग आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई हमें और हमारी पत्नी को भी तो पकौड़े खिलाओ, वो भी चटनी के साथ भाई। हाँ अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को पकौड़े और चटनी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब पकौड़े और चटनी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ, जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में पकौड़े चटनी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिसाब है। बाबा आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना, मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वो बुजुर्ग आदमी और औरत शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भोले बाबा माता आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया, साथ ही उन्होंने खुद की एक बड़ी सी पकौड़े और चटनी की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। भगवान शिव पार्वती की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया।